और चूंकि शुक्रवार मुसलमानों का एक पर्व होता है, अगर किसी स्कूल को लगता है कि हमको इतवार की जगह मंगलवार को या बिफे को छुट्टी मिल जाए और उस दिन हम पर्व मनाएं, तो करा लेना चाहिए, आवेदन देना चाहिए। सर, इसमें कोई विवाद का मामला नहीं है, क्योंकि जब से भाजपा आई है बड़ी महंगाई आई है, चारों तरफ महंगाई महंगाई है। 20 के चुनाव में घोषणा करके गई थी यहाँ से निर्मला सीतारमन कि 19 लाख लोगों को रोजगार देंगे। 19 लोगों को रोजगार तो दिया नहीं है, बल्कि लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं। हर थाने में दलालों का जमावड़ा हो गया है। आज डॉलर जो है 80 रुपये हो गया, देश की प्रतिष्ठा कहाँ गिर रही है इस पर जवाब नहीं दे पा रहे हैं। पेट्रोल डीजल 100 पार हो गया, इस पर जवाब नहीं दे पा रहे हैं। ऐसा राजद MLC कारी शोएब जी हैं, क्या कहेंगे जिस तरीके से आप लोग महंगाई को लेकर प्रदर्शन करने वाले हैं, कब प्रदर्शन होगा, क्या कुछ रणनीति है? नहीं, महंगाई को लेकर तो हमारी पार्टी लगातार, खासतौर से युवा राजनीति दल ने महंगाई को लेकर के, युवाओं को लेकर के, जो बेरोजगारी है उन सवालों को लेकर के लगातार आंदोलन करती रही है। हमारा संगठन लगातार कई वर्षों से, चूँकि जब से भाजपा आई है बड़ी महंगाई आई है, चारों तरफ महंगाई महंगाई है। लोग भूख से आत्महत्या कर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, लोग फांसी पर लटक जा रहे हैं, बेरोजगारी चरम पर है, नौजवान जो है उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। एक तरफ वादा करते हैं और दूसरी तरफ लोगों को बेरोजगार बनाते हैं। बिहार में ही 20 के चुनाव में घोषणा करके गई थी यहाँ से निर्मला सीतारमन कि 19 लाख लोगों को रोजगार देंगे। 19 लोगों को रोजगार तो दिया नहीं है, बल्कि लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं। इन तमाम सवालों को लेकर, चाहे मनरेगा का मामला हो, चाहे किसानों का मामला हो, देखिए लोग सुखाड़ पड़ रहा है, खाद की कीमत कितनी हो गई है, पानी नहीं है, सब्सिडी नहीं है कहीं भी, डीजल और पेट्रोल का दाम कितना बढ़ गया है, दलितों का मामला हो, अल्पसंख्यक समुदाय को जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है वो मामला हो, बिलावजह झूठा मामला लेकर के कहीं हमारे वर्करों को पूरे बिहार में टारगेट किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा, उन पर केस किया जा रहा है, झूठा मुकदमा किया जा रहा है, पुलिस बिल्कुल बेलगाम हो चुकी है, घूस चरम पर है, किसी को फंसा दिया उसके बाद खबर भेजवाती है पुलिस कि 1,00,000 रुपया दे दीजिए तो केस उठा लेंगे, मैनेज कर दला, हर दलाल, हर थाने में दलालों का जमावड़ा हो गया है, एक सिंडिकेट बन गया है बिहार में दलालों का, जो बिहार के हर थानों में होता है, और उस दलाल के द्वारा पुलिस के जो लोग हैं वो लोग लोगों के साथ जुल्म करते हैं और दलालों के द्वारा पैसा मंगवाते हैं और उस केस को ख़त्म करते हैं। उर्दू स्कूलों में शुक्रवार की छुट्टी को लेकर विवाद मचा हुआ है, BJP के नेता लगातार इस पर कह रहे हैं कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है। इसमें कोई विवाद का मामला नहीं, शुक्रवार को अगर छुट्टी होती है तो इतवार को पढ़ाई भी होती है, इसमें कोई मुद्दा तो है नहीं, ये सदियों से चला आ रहा है। और चूँकि शुक्रवार मुसलमानों का एक पर्व होता है एक तरह से, उस दिन लोग सुबह से उठते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, तैयारी करते हैं, उसके बाद अगर किसी स्कूल को लगता है कि हमको इतवार की जगह मंगलवार को या बिफे को छुट्टी मिल जाए और उस दिन हम पर्व मनाएं, तो करा लेना चाहिए, आवेदन देना चाहिए। सर, इसमें कोई विवाद का मामला नहीं है, या सरकार को लगता है, उनकी सरकार है, उनको जो भी लगता है वो तय कर दें, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है, ये कोई इशू नहीं है। इशू इसलिए बनाया जा रहा है ताकि उनको जवाब न देना पड़े कि 19 लाख रोजगार का क्या किया, लोग नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं उसका जवाब इनके पास नहीं है, महंगाई चरम पे है। पहले ये बोलते थे कि देश का डॉलर, देश का रुपया जैसे जैसे गिरेगा वैसे वैसे देश की प्रतिष्ठा गिरेगी। आज डॉलर जो है 80 रुपये हो गया, देश की प्रतिष्ठा कहाँ गिर रही है इस पर जवाब नहीं दे पा रहे हैं। पेट्रोल डीजल 100 पार हो गया, इस पर जवाब नहीं दे पा रहे हैं। महिलाएँ बेरोजगार, अब तो हालत ये है, दही दूध पर लग गया है टैक्स, अब तो हालत ये है, मुझे लग रहा है कि बहुत जल्द बच्चा जो अपने माँ का दूध पिएगी उस पर भी टैक्स लगाएगी ये सरकार। तो आपने सुना कि राजद MLC काली शोएब ने क्या कुछ कहा है, राजद MLC काली शोएब ने साफ साफ कहा कि ये लोग 19 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा किए थे, 19 लोगों को रोजगार नहीं दे पाए, वही कहा कि जो छुट्टी को लेकर विवाद है ये लोग विवाद फंसाना चाहते हैं, और अगर किसी को मंगलवार को छुट्टी चाहिए, गुरुवार को छुट्टी चाहिए तो गुरुवार को छुट्टी मिलेगी, पढ़ाई तो होती ही है रविवार को, ये कोई विवाद की चीज़ नहीं है। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए।